विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में बसा बुंदेलखंड का बीहड़ कई दशकों से दुर्दांत डकैतों का गढ़ रहा है। ददुआ, भूकिया, रागिया, बलखड़िया और बबली कोल के मारे जाने के बाद डकैत गौरी यादव ही चित्रकूट के बीहड़ में इकलौता दस्यु ग्रोह बचा था। डकैत गौरी यादव पर यूपी से 5 लाख और एमपी से 50,000 का इनाम घोषित था। डकैत गौरी पर इनाम बढ़ने के साथ ही यूपी एसटीएफ ने दस्यु गौरी यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर एडीजीपी अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने चित्रकूट जिले के जंगलों में दस्यु गिरोह की घेराबंदी कर ली। इसके बाद शनिवार तड़के करीब 3-4 बजे के आसपास हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने 5.5 लाख के दुर्दांत इनामी डकैत गौरी यादव को मार गिराया। मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली सैकड़ों राउंड गोलियों से पाठा के बीहड़ में हड़कंप मच गया। मुठभेड़ स्थल से यूपी एसटीएफ को एक AK-47 राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक 12 बोर की बंदूक और सैकड़ों कारतूस मिले। गौरी यादव पर यूपी से 5 लाख और एमपी से 50,000 का इनाम घोषित था। गिरोह को और सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस अफसरों के साथ कई थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम जंगल में कॉम्बलिंग कर रही थी। आपको बता दें कि चित्रकूट के बहेलपुरवा थाने के मांडव बाग गाँव का रहने वाला था दस्यु गौरी यादव। कुख्यात डकैत ददुआ के पिंटू के तौर पर जंगल में उतरा था। ददुआ के मारे जाने के बाद वो डकैत बबली गिरोह में शामिल हो गया था। पुलिस ने बबली कोल को मारने के लिए इसको उस समय बढ़ावा दिया और इसकी मदद से बबली को मार दिया। बबली के मारे जाने के बाद उसी गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ करीब 10 साल पहले गौरी यादव ने अपना गिरोह बना लिया और खुद सरगना बन गया। मगर आज उस डकैत गौरी यादव का खात्मा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।